नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या, मेरे साथ हैं सौरभ, और हम दोनों आपके लिए लेकर आ गए हैं आज सुबह की मॉर्निंग अपडेट्स। और मॉर्निंग अपडेट्स में आज की जो पहली खबर है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए सौरभ क्योंकि यहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो क्रिकेट में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। क्योंकि हुआ दरअसल ये है कि जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड है उसने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर उनका जो पे स्केल होगा वो पुरुषों के बराबर यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये काफी पॉजिटिव बात है। हम यहाँ कहेंगे कि महिला क्रिकेट को हम चाहे न्यूजीलैंड की बात कर ले, ओवरऑल क्रिकेट अगर हम देख ले श्रेय क्रिकेट में, तो सभी देशों के अंदर मेंस क्रिकेट को जितना बढ़ावा दिया जाता है उतना महिला क्रिकेट को कभी दिया नहीं जाता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो काफी पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है अब महिला क्रिकेट के अंदर भी। इसी को लेकर के न्यूजीलैंड की जो वुमेन्स टीम की कैप्टन है सोफी डिवाइन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उनका कहना यही है कि अब जो वुमेन्स क्रिकेट है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ काफी जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे टीम में और टीम के प्लेयर्स के अंदर जो उनकी मेंटेलिटी होगी उसमें भी काफी पॉजिटिव जो है चेंजेस आने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि ये काफी बेहतरीन शुरुआत है। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि क्रिकेट में पहले एक तो महिलाओं का आना ही बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है, पीछे छूट चुका है। महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के बराबर ही क्रिकेट खेल रही, और एक बार तो मिक्स मैचेस भी वहां पर बातचीत निकल कर आई है कई बार। तो ये सारी चीजों के बीच कहीं ना कहीं वो जो पे स्केल वाली बात थी उसमें बहुत बड़ा अंतर था, और ये जो न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने ये जो कदम उठाया वो अपने आप में काफी रिवोल्यूशनरी है। क्योंकि इसको देखकर सौरभ आने वाले अब वक्त में बाकी के क्रिकेट बोर्ड भी इस ओर विचार करेंगे और सोचेंगे कि उनकी पुरुष टीम और महिला टीम के बीच में जो यहाँ पे स्केल का गैप आ रहा है उसे पूरा करें। आपको बता दें कि यहाँ पर वनडे के लिए महिलाओं को भी अगर न्यूजीलैंड की जो विमेंस टीम है उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे, और टेस्ट मैचेस के लिए उन्हें भी अब 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की जो पे स्केल है उसे बराबर कर दिया गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए। अब देखना यही है कि बाकी के क्रिकेट बोर्ड जो है वो इनसे कब सीख लेते हैं, और खासकर भारतीय खेमे में बीसीसीआई इसके बाद क्या कुछ कदम उठाता है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि बीसीसीआई क्या कुछ कदम उठाता है और साथ साथ महिला क्रिकेट को, क्योंकि अभी जैसे मैंने बात की थी कि ओवरऑल क्रिकेट में देखना होगा कि सभी देशों के अंदर जो है कितना महिलाओं को जो है एक बराबर का सम्मान दिया जाता है खेल के अंदर क्रिकेट के अंदर। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारी जो दूसरी खबर है वो भारतीय टीम से जुड़ी है, जहां पर भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ उसके जो 5वां सीरीज का मुकाबला खेला गया उसमें करारी हारी कहेंगे श्रेयम भारतीय टीम को मिली, जहां पर 7 विकेट से देखे तो मेजबानों ने मुकाबला जीत लिया है। बड़ी साझेदारी जो है जो जो रूट और जोनी बेयरस्टो दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज थे उनसे देखने को मिली। लेकिन मैच के साथ साथ जो है मैच तो हारे लेकिन वही साथ साथ भारतीय टीम को एक और मुसीबत जो है WTC के पॉइंट टेबल में अब जो है श्रेय देखने को मिलने वाली है, जहां पे अब फाइनल की जो राह है वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल बहुत मुश्किल मुश्किल हो होती गई जा रही है। है। बिल्कुल, यहाँ पर सौरभ बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि पिछली बार 70% के आसपास के परसेंटाइल पर भारतीय टीम ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था, लेकिन अब यहाँ पर इस हार के बाद वो रास्ता मुश्किल हो जाएगा, टॉप 2 में फिनिश करना भारतीय टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें तो अभी 4 जो मैचेस खेलने हैं भारतीय टीम को टेस्ट में, वो ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया खिलाफ के खिलाफ है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भारत में आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको याद होना चाहिए कि मैचेस नहीं हारी है इस बार के WTC में, और पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका में गए, श्रीलंका को डोमिनेट कर रहे एशेज हैं, एशेज में एशेज जीत, जीता है, तो दूसरे देशों में जाकर ऑस्ट्रेलिया इस समय डोमिनेट कर और रही साथ साथ हम है। दर्शकों को ये बता दें कि टोटल 6 मैचेस अभी इंडिया के होने हैं टेस्ट मैचेस, उसमें 2 बांग्लादेश के साथ खेलने हैं तो 4 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इस लिहाज से अगर इंडिया को फाइनल में जगह बनानी है तो उसे अपने अगले जो 6 मैच है 6 के 6 जीतने होंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जरूर जैसे भी श्रेय ने बताया कि भारत दौरे पर आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पर जिस लय में है, खास करके हम बात कर लें उनके बैट्समैन उस्मान ख्वाजा की, जिस लय में बल्लेबाज चल रहा है इससे साल के अंदर जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो काफी जो है चैलेंजेस जो है भारतीय टीम को देखने को मिलने वाले हैं इस ऑस्ट्रेलिया जब भारत दौरे पर आने वाली है उस दौरान। बिल्कुल, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भारत दौरे पर आने वाली है, उस दौरान चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो डेविड वार्नर की जिंदगी से नहीं जाने का नाम ले रहा है, और वो है उनके ऊपर लगा कप्तानी का बैन। कप्तानी के बैन को लेकर उनकी पत्नी कैंडिस ने यहाँ पर बयान दिया है कि ये जो कुछ भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ किया है, उनके ऊपर कप्तानी को लेकर जो बैन लगाने का काम किया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, वो इनजस्टिसफुल है, मतलब अन्यायपूर्ण है ये उनका व्यवहार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से दलीलें ये दी गई हैं उनकी जो वाइफ कैंडिस हैं कि वार्नर की कप्तानी की हर जगह तारीफ होती है, वो भारत आते हैं वहां पर उनकी कप्तानी को लेकर उनकी तारीफ की जाती है, उनके माइंडसेट की तारीफ की जाती है, वो UAE जाकर खेलते हैं वहां पर उन्हें कप्तानी दी जाती है, वहां पर तारीफ की जाती है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना काफी अन्यायपूर्ण है ये। जी बिल्कुल, काफी अन्यायपूर्ण है क्योंकि हम देखें तो
बॉल टेम्परिंग का जो मामला हुआ था उसके बाद इनको स्टीव स्मिथ के साथ 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 डेविड वॉर्नर इन दोनों को देखें तो बैन किया गया था क्रिकेट से, लेकिन इन दोनों के जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई, इन दोनों को खेलने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ का ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इन दोनों खिलाड़ियों को खेलने का मौका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिया जा रहा तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो इनकी सजा दी गई थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखे तो पूरी हो चुकी है, उस लिहाज से इनको कप्तानी का ही मौका दिया जाना चाहिए। हमने डेविड वॉर्नर को आईपीएल में भी देखा है कप्तानी करते हुए, तो इस लिहाज से उनकी वाइफ का कहना है कि इनको इंडिया में भी काफी जो इनकी कप्तानी को पसंद किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में भी देखे तो काफी ज्यादा ये खिलाड़ी जो पसंद किया जाता है अपनी बल्लेबाजी के लिए, अपनी आतिशी बल्लेबाजी के लिए, उस लिहाज से देखा जाए तो डेविड वॉर्नर के साथ वाकई ये इनजस्टिस वाली बात जरूर है। बिल्कुल, यहाँ पर इनजस्टिस वाली बात जरूर है। और अगली खबर जो है वो क्रिकेट के मैदान से हटकर टेनिस से कोर्ट से जुड़ी हुई है, और टेनिस के कोर्ट से खबर ये है कि सानिया मिर्जा जो है इस बार अपने इस साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल सेमीफाइनल वहां पर पहुंच चुकी है, जो विंबलडन है इस बार का, इस साल का तीसरा जो ग्रैंड स्लैम का सेमीफाइनल है, अपने जोड़ीदार पियर्स के साथ यहाँ पर सानिया मिर्जा उसके सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सौरभ, वो ये कि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये सीजन टेनिस सीजन उनके करियर का आखिरी सीजन होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल श्री, देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनके सीजन का आखिरी, उनके करियर का जो आखिरी सीजन होने वाला ही है, तो उस लिहाज से हम भी चाहते हैं, सभी भारतीय फैंस चाहते हैं कि वो इसको जीत करके, हालांकि सेमीफाइनल तक वो पहुंच ही गई है, हम कहेंगे सेमीफाइनल ही वो इस बार जो है खिताब भी जीते, और साथ साथ जो उनके 35 साल की जो उम्र है इस करियर में देखे तो काफी कामयाबी सानिया मिर्जा ने अपने पूरे ओवरऑल करियर के अंदर देखे बटोरी है, तो हम सब यही चाहते हैं कि वो इस बार सेमीफाइनल तक तो पहुंच गई है, सेमीफाइनल में जीते और साथ साथ फाइनल में भी पहुंच करके जीत करके ये खिताब अपने नाम करें। बिल्कुल, यहाँ पर सानिया मिर्जा ये खिताब अपने नाम करें, और कहीं ना कहीं और देखना यही होगा सौरभ कि इसको किस तरह से अपने सीजन को खत्म करती है, अपने करियर के आखिरी सीजन को सानिया मिर्जा यहाँ पर खत्म कर पाती हैं। तो फिलहाल के लिए आज के मॉर्निंग अपडेट में इतना ही, मुझे और सौरभ को दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं।